हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और रेखा द इंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लेके आए हैं दिवाली स्पेशल ब्रेड रसमलाई। ब्रेड रसमलाई बनाने में बहुत ही आसान है और सभी को बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, आइए ब्रेड रसमलाई बनाना स्टार्ट करते हैं। ब्रेड रसमलाई बनाने के लिए हमने यहाँ पे ली है एक कढ़ाई और इसमें हम डाल देंगे 1 लीटर के आसपास दूध। मैंने दूध गर्म करके रखा है और फुल क्रीम दूध है। गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे हम एक बार दूध को बॉईल होने देंगे। दूध को हमें बॉईल होने देना है। अब हम डाल रहे हैं यहाँ पे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। थोड़े से हम केसर के धागे भी डाल रहे हैं। केसर के धागे बिल्कुल ऑप्शनल हैं। आपको अच्छी लगती है तो आप डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। केसर और इलायची को हम दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और बॉईल होने का वेट करेंगे। दूध बॉईल हो रहा है, तब तक हम आइए कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर। थोड़ा सा हम दूध डाल देंगे। कस्टर्ड पाउडर में जो हमने दूध डाला है वो रूम टेम्परेचर पर लिया है। कस्टर्ड को दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा जो कस्टर्ड पाउडर है वो अच्छे से दूध में मिक्स हो जाए और लम्स भी ना बने। देखिए, बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। देखिए, कस्टर्ड पाउडर तैयार है, दूध भी बॉईल हो चुका है। आइए कस्टर्ड को हम दूध में मिक्स कर देते हैं। दूध अच्छी तरह से देखिए बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 से 6 चम्मच चीनी डाली है। 5 चम्मच चीनी डाल दी है। अब हम दूध को और चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और चीनी को पकने देंगे। चीनी और दूध बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। चीनी एकदम अच्छी तरह से घुल चुकी है। आइए, जो हमने कस्टर्ड पाउडर तैयार किया है उसको हम दूध में डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको इस तरह से मिक्स करते जाएंगे ताकि जो कस्टर्ड है हमारा वो नीचे चिपके नहीं। कस्टर्ड पाउडर हमने जो तैयार किया था वो दूध में डाल दिया है और देखिए दूध अच्छे से बॉईल हो चुका है, लम्स भी नहीं बने हैं और दूध गाढ़ा हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और दूध को ठंडा होने देंगे। अब हमने लिया है यहाँ पे एक बाउल। बाउल में हम डाल देंगे 3 से 4 चम्मच मिल्क पाउडर। हमने जो कस्टर्ड फ्लेवर का दूध तैयार किया है उसको मिल्क पाउडर में डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ पे दूध नहीं डाला है या पानी नहीं डाला है। जो कस्टर्ड तैयार किया है वो दूध इसलिए डाला है ताकि जो हमारी रबड़ी है वो बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाए और मीठा भी हो जाए। देखिए, रसमलाई के लिए रबड़ी भी तैयार हो चुकी है। अगर आपको रसमलाई के लिए जो हमने रबड़ी तैयार की है वो टाइट लगती है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर सकते हैं। अब हमें इसमें एक्स्ट्रा मीठा कुछ भी नहीं डालना है। हमने यहाँ पे ली है ब्रेड स्लाइस, ताजा ब्रेड ली है। एक चीज का आप ध्यान रखें कि जो हम ब्रेड ले रहे हैं वो फ्रिज की रखी हुई ना हो, नहीं तो जो हमारी रसमलाई है वो जल्दी से टूट जाएगी। अब हम कॉर्नर्स कट कर लेंगे। ब्रेड स्लाइस के हमने कॉर्नर कट कर लिए हैं। कॉर्नर कट करने का मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता रखा है कि इससे हम ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेते हैं, तो इसलिए इसको हम फेंकेंगे नहीं, साइड में रख देंगे। इसी तरह से हम सारी ब्रेड स्लाइस तैयार करके रख लेंगे। हमने यहाँ पे 2 ब्रेड स्लाइस ली हैं। इसमें से 1 ब्रेड स्लाइस पे हमने जो रबड़ी तैयार की है उसको लगा देंगे। देखिए, दोनों ब्रेड स्लाइस पे हमने रबड़ी तैयार की हुई लगा ली है। अब हम यहाँ पे बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। इसमें हम डाल रहे हैं पिस्ता और बादाम। अब दूसरी वाली ब्रेड स्लाइस से हम जिस पे हमने ड्राई फ्रूट लगाए हैं इस ब्रेड स्लाइस को एकदम अच्छी तरह से कवर कर देंगे और इस तरह से दबा देंगे ताकि जो दोनों ब्रेड स्लाइस हैं वो अच्छी तरह से चिपक जाएं।
सभी ब्रेड स्लाइस हमने तैयार कर ली हैं। आइए हम ब्रेड स्लाइस को कट कर लेते हैं। आप जैसी शेप चाहें वैसा कट कर सकते हैं। हम ट्राइंगल में कट कर रहे हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हमारी ब्रेड स्लाइस है वो वेस्ट नहीं जाती है। देखिए कितनी बढ़िया हमारी ब्रेड बनके तैयार हुई है। इसी तरह सारे पीसेस कट कर लेंगे। हमने यहाँ पे आधा कटोरी दूध लिया है, फ्रिज का ठंडा दूध है। जो हमने ब्रेड स्लाइस तैयार की हैं, इनको हम इसमें डिप कर लेंगे ताकि जो हमारी ब्रेड है वो सूखी सूखी ना रहे। और इस तरह से आप किसी भी ट्रे में इसको लगा सकते हैं। सभी पीसेस को इस तरह से तैयार करके हम ट्रे में लगा देंगे। ट्रे में हमने सारे पीसेस तैयार करके लगा दिए हैं। अब हमने जो ठंडा करके दूध तैयार जो हमने दूध तैयार किया है रसमलाई के लिए, वो ठंडा हो चुका है। दूध को हम ट्रे में इस तरह से डाल देंगे ताकि जो हमारे सारी ब्रेड स्लाइस हैं वो अच्छी तरह से कवर हो जाएं। देखिए कितनी बढ़िया रेसिपी है, कितनी आसान रेसिपी है। हमने फटाफट से रसमलाई बना के तैयार कर ली है। जब भी आपके घर कोई पार्टी हो, गेस्ट आने वाले हो, आप इस तरह से ब्रेड रसमलाई बना के तैयार कर सकते हैं। अब गार्निशिंग के लिए हम ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल देंगे। देखिए हमारी ब्रेड रसमलाई बनके बिल्कुल रेडी है। हमने सर्व भी कर दी है और लुकिंग में बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो आप ब्रेड रसमलाई की रेसिपी को ट्राई करें, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।